दोस्तों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोरोना वायरस पे मैं जितने भी वैक्सीनेटर हैं मेरे दोस्त, मैं सबको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना है कि 22 मार्च को पूरा भारत बंद रहेगा, मतलब हर एक दुकान, हर एक जगह, हर एक स्टॉप, मतलब रेलवे से लेकर के हर चीज़ बंद रहेगा। लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, जैसा कि आपको पता है। तो मित्र, ये क्यों हुआ है? सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो कोरोना वायरस है ये पूरे भारत में फैल रहा है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे जितने भी मित्र हैं, अगर मास्क नहीं लगा सकते तो रुमाल अपने मुँह पर बांध के रखिएगा और मतलब दूरी बना के रखिएगा हर किसी से, हर किसी इंसान से, व्यक्ति से, जानवर से, हर किसी से। और जहाँ तक हो सके अपना सुरक्षा स्वयं करेंगे तो बेटर है, और अपना सुरक्षा स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये छुआछूत वाला जैसा बीमारी है कि इसको लग गया, फिर उसको लग गया, फिर उसको लग गया, ऐसे कर करके लोगों को लग रहा है। और जो लोग विदेश से आए हुए हैं, थोड़ा उनसे दूरी बना के रखिए, उनसे बात कम कीजिए या फिर 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पर बात कीजिए। ये ऐसी बीमारी है जो बिना बताए आ सकती है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे लड़ने की ज़रूरत है। तो हम सब मिल करके उससे लड़ेंगे। और सरकार की बहुत बड़ी चेतावनी है कि जो भी संडे के दिन घर से बाहर लोग नहीं निकलेंगे तो आप लोग भी मत निकलिएगा, जहाँ तक मतलब बिल्कुल कम निकलिएगा। एक दिन की तो बात है, सरकार ये जनता कर्फ्यू है तो इसको सब लोग मनाए तो अच्छी बात है। और भारत के कुछ जिलों में जो है फैला हुआ है, जैसा कि आपको न्यूज़ में, तो क्या मैं बताऊं, आपको तो सबको पता ही होगा। तो आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, तो सब किसी को पता लग जाता है, कुछ भी होता है तो हर किसी को पता लग जाता है, जिसमें बताने वाली बात तो है नहीं। मैंने सोचा कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने दोस्तों को दे दूँ कि अगर मास्क नहीं लगा सकते तो आप रुमाल भी बांध करके काम चला सकते हैं अपने मुँह पर, जिससे कि कुछ। और बाहर का सामान मत खाइएगा, क्योंकि बाहर के सामान खाने से ही ये सब अंदर जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, सुबह सुबह का टाइम है। और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वैक्सीनेटर दोस्तों की सहायता और हेल्प करता हूँ। तो मित्रों, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।